नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिपेश गौर में। वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल दिपेश गौर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को ऐसी ही जानकारी सबसे पहले मिल सके। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते ताकि वहां से आपको अपडेट पूरी मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर योजना, जो कि आपको 400 रुपए में मिलने वाली है, जिसमें आपको फॉर्म भरने में अगर आपका नाम मिसमैच है तो आपको समस्या हो रही है, आपका आवेदन ऑनलाइन नहीं हो रहा है और जब भी आप गैस ऑफिस जाते हैं तो वहां पर आपको ये बता दिया जाता है कि नाम चेंज यहाँ पर नहीं होगा, नाम में जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो ठीक नहीं होगी। तो उसका निवारण लेकर हम आए हैं कि किस प्रकार से अगर नाम मिसमैच है तो हमारा आवेदन हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अगर आपका नाम मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्य प्रदेश शासन 25 सितंबर 2023 को यह आवेदन जारी कर दिया गया था समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के एलपीजी कनेक्शन के गैसधारी उपभोक्ता एवं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत ऐसी पंजीकृत लाडली बहने जिनके स्वयं के नाम से गैस कनेक्शन है को 450 रुपए में गैस रिफिल प्रदान करने के बाबत विभाग का पत्र क्रमांक यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक 13/9/2023 एवं 16/9/2023। उसके बाद हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस विषय में यह आवेदन दिया गया है। तो उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित परिपत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत ऐसी पंजीकृत लाडली बहने जिनके स्वयं के नाम से गैस कनेक्शन है 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल प्रदान कराने हेतु लाडली बहना के पोर्टल पर पंजीकरण के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गैस कनेक्शन धारी उपभोक्ताओं के आधार नंबर एवं गैस कनेक्शन में उल्लेखित नामों में भिन्नता होने के कारण पोर्टल पर पंजीकृत करने में समस्या की कठिनाई को अवगत कराया गया है। जैसे कि आधार कार्ड में आपका नाम पूछे और गैस सिलेंडर की पासबुक में आपका नाम पूछे, इसलिए आपको आवेदन करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी के संदर्भ में यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। समग्र सदस्य आईडी में नाम तथा गैस कनेक्शन के एलपीजी आईडी में मिलते जुलते नाम के मिलान की सुविधा लाडली बहना पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। आवेदिका का पंजीयन स्थल पर आवेदिका का फोटो मिलान होने पर पंजीयन हो जाएगा। यदि आपके समग्र आईडी आधार कार्ड और बैंक वो सॉरी जो आपकी आईडी है उसमें अगर नाम अलग है, आपका आधार कार्ड है उसमें नाम अलग है और एलपीजी आईडी मतलब जो आपका गैस सिलेंडर का कार्ड है उसमें नाम अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एक फोटो ही चाहिए और उससे आपका आवेदन भरा जाएगा, उसमें नाम सुधरवाने की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट यहां पर फॉर्म भरा जाएगा जो कि 28 तारीख से यानी आज की तारीख से आपके आवेदन हो जाएंगे। बस आपके आधार कार्ड में जो फोटो है उसी प्रकार की आपकी एक फोटो ही चाहिए, जैसे लाडली बहना योजना में फॉर्म डालते समय फोटो खिंचा रही थी ठीक उसी प्रकार गैस सिलेंडर 400 रुपए में जो उपलब्ध है उस पोर्टल पर भी आपकी एक फोटो ही चाहिए, आपका आवेदन यहाँ पर हो जाएगा। नाम मिसमैच है तो अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। सुविधा की दृष्टि से ग्राम पंचायत सचिव एवं वार्ड प्रभारी को मल्टीपल लॉगिन की सुविधा प्रदान की जा रही है। मतलब एक अभी तक ऐसा था कि ए पंचायत में अगर 4 व्यक्ति के पास आईडी है तो 4 में से 1 ई लॉगिन कर सकता है, 1 व्यक्ति से पर दूसरे व्यक्ति के पास लॉगिन नहीं हो रही है, पर अंतु अब ऐसा कर दिया गया है कि 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति के पास एक साथ लॉगिन रह सकती है आईडी। तीनों आयल कंपनी द्वारा जारी गैस कनेक्शन डाटा पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। 25 तारीख से इसकी सूचना जारी कर दी है, अगर आप पात्र हैं तो 25 तारीख के बाद आपकी जो आवेदन नंबर है उससे आप देख सकते हैं। हितग्राही के मोबाइल नंबर परिवर्तन होने पर समग्र पोर्टल पर संबंधित समग्र आईडी पर नवीन मोबाइल नंबर दर्ज कराने की सुविधा भी यहां पर आपको दे दी। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि अगर आपके समग्र आईडी में आधार कार्ड में और गैस कनेक्शन की पासबुक में नाम मिसमैच है तो अब आप फोटो के द्वारा अपना आवेदन करवा सकते हैं, ये सुविधा आज से चालू कर दी गई है। तो दोस्तों इसीलिए वीडियो आप बनाकर आपको अवगत कराया जा रहा है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जिन भी माताओं बहनों का आवेदन नहीं भरा रहा है नाम मिसमैच होने के कारण वो अब अपना आवेदन यहाँ पर आज से भरा सकती है। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी नई अपडेट नई जानकारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें।